स्टार्ट कोई आवे तो कह जे। हेलो हेलो, मैं राधिका त्रिवेदी गुजरात से भरूच से आप सबका अमूल लाइव पे स्वागत करती हूँ। आप सब जुड़ जाइए, फिर मैं मेरी रेसिपी शुरू करती हूँ। मैं अमूल का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे ये दूसरी बार मौका दिया है फिर से लाइव पे आने का। आज की मेरी रेसिपी है हरा भरा कबाब, और वो भी मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बना के दिखाऊंगी। आप सब जुड़ जाइए, फिर मैं मेरी रेसिपी शुरू करती हूँ। 35-37 आप मुझे ओके बोलेंगे तो मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। सबका स्वागत है अमूल लाइव पे। क्या मैं बनाना शुरू करूं? अगर आप ओके बोले तो मैं मेरी रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। ओके प्लीज गो अहेड। ओके, आज की मेरी रेसिपी है हरा भरा कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। हरा भरा कबाब के इंग्रेडिएंट्स हैं, हरे मटर है, आलू लिया है, पालक ली है, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर, हरी मिर्च ली है, पुदीना लिया है, काजू के टुकड़े लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, अदरक गार्लिक का पेस्ट है, जीरा है, चाट मसाला है, धनिया है और कॉर्नफ्लोर है और ऑयल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाटर बॉईल करने के लिए रखा है। सबसे पहले हम हरे मटर और धनिया और जो पालक है हमारी उसको ब्लांच करेंगे। हमारे ये जो वाटर है वो बॉईल हो चुका है, उसमें सबसे पहले हम मटर डालेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मटर की क्वांटिटी पालक की क्वांटिटी से ज्यादा रखनी है। 2:1 का रेशियो लेना है मटर और पालक में। और ये जो मटर बॉईल करने के लिए रखे हैं उसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे ताकि उसका टेस्ट जो है वो ब्लैंक ना आए। पालक को हम जब मटर आधे पक जाएंगे तब ऐड करेंगे ताकि उसका कलर जो ग्रीन है वो बना रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमारे जो मटर हैं वो बॉईल होना शुरू हो गए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ, आज की मेरी रेसिपी है हरा भरा कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल है, और आप सबका फिर से स्वागत है अमूल लाइव पे। एमना एक एवं कमेंट छे, वी हैव टू पुट मटर इन कोल्ड वाटर चिप। यस यस, वो जो हरे मटर पक जाएंगे उसके बाद हम उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे। अभी हम इसको बॉईल होने दे रहे हैं, थोड़े आधे पक जाए तब तक पकाएंगे। सोल्ड इट बी पेर बोल इट, सोल्ड इट बी पेर बॉईल बॉईल दे उन्हें कुछ। यस यस, इट इज पार बॉईल। बेस्ट।
हमारे मटर जब पकने वाले होंगे तब हम उसमें पालक ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पालक का जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रखना है। ये इसमें 5 मिनट लगेंगे। ये मैंने फ्रेशली ग्रीन मटर लिए हैं, तक जल्दी से पक जाएंगे। आपके पास फ्रोजन हो तो आप वो भी ले सकते हो। आपको पानी पहले ज्यादा बॉईल करना है, उसमें उबाल आ जाए फिर आप हरे मटर डालिए। थोड़ा मैंने नमक डाला है और अब ये जो हरे मटर है वो पक रहे हैं। 3 से 5 मिनट लगता है ये मटर पकने में। ये जो हमारे हरे मटर हैं, वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें पालक है, पालक ऐड करेंगे। पालक यहाँ पे इसीलिए ऐड कर रही हूँ लास्ट में, ताकि इसका कलर जो ग्रीन है वो हमें मेंटेन रखना है। और ये पालक को हमें ज्यादा नहीं कुक करना है। अगर आप चाहो तो ये जो प्रोसेस हो रही है आप उसमें सोडा मिला सकते हो, पिंच ऑफ सोडा मिला दोगे तो भी उसका कलर ग्रीन रहेगा। हाउ टू रजिस्टर टू शो योर रेसिपी? जी, मेरी जो रेसिपीज है, मेरी यूट्यूब चैनल है राधिकास किचन, उसमें मैं ऑलवेज अपलोड करती हूँ, आप वहां पे देख सकते हो। ये जो पालक है उसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है। उसकी ये जो डंडी है वो सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हमें पकाना है। अब हम गैस बंद कर देंगे, वरना हमारा जो ये पालक का कलर है ग्रीन वो खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी 2 से 3 सेकंड इसी में ऐसे चलाऊंगी। ये जो बॉइलिंग वाटर है उसमें ही वो पालक है वो कुक हो जाएगा। मटर एंड पालक की क्वांटिटी क्या है? मटर एंड पालक की क्वांटिटी, मटर 100 ग्राम हो तो पालक 50 ग्राम लेनी है। 2:1 का रेशियो रखना है मटर और पालक के बीच में। रेसिपी नेम प्लीज। हरा भरा कबाब बना रही हूँ। ये जो हमारे जो पालक और मटर है वो ब्लांच हो चुके हैं। पालक को हमें ज्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर लिया है, एकदम चिल्ड वाटर है, उसमें हम ये जो पालक और मटर है वो डालेंगे। इससे जो उसका हरा कलर है वो उभर के आएगा। ये करने से पालक और मटर की जो कुकिंग प्रोसेस है वो अभी स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, इसका जो ग्रीन कलर है वो एकदम अच्छे से निखर के आया है। जनरली क्या होता है कि जो हरा भरा कबाब है उसका कलर मेंटेन नहीं रहता, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि पालक को ज्यादा नहीं पकाना है और कुक हो जाए तो तब आप उसको कोल्ड वाटर में डालो तो उसका कलर अच्छे से निखर के आएगा। अब मैं इसको ड्राई कर लूंगी। ये देखिए, इसको मैंने जो कोल्ड वाटर था वो निकाल दिया है। इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई है और इसका कलर आप देख सकते हो ग्रीन रहा है, मेंटेन रहा है। और इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे। अभी जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं हम, उसमें उसके लिए इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसको हमें पूरा पानी निकाल देना है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं।
ग्राइंड करना है, एक पेस्ट बनाना है हमको, जो ग्रीन पेस्ट रहता है हरा भरा कबाब में। तो उसके लिए मैंने जो स्पाइसी रहता है हरा भरा कबाब थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने मेरी जो क्वांटिटी रहती है 100 ग्राम मटर है और 50 ग्राम पालक है, तो उसके हिसाब से मैं एक हरी मिर्च ले रही हूँ। हरी मिर्च डाली मैंने, एक हरी मिर्च ली है, इसमें 5 से 6 पुदीने के पत्ते डालूंगी। पुदीने के पत्ते से जो हरा भरा कबाब का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/2 कप धनिया पत्ता लिया है मैंने चॉप किया हुआ, और इसमें हम जो ये पालक और मटर जो हमने ब्लांच करके लिए हैं कोल्ड वाटर में से डालकर, अभी इसका पानी हम थोड़ा ऐसे निकाल देंगे, उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और इसकी हमें पेस्ट बनानी है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। देख लेते हैं हमारी पेस्ट अच्छे से रेडी हो गई है कि नहीं। ये देखिए, ऐसी पेस्ट रखनी है हमें, फाइनली पेस्ट नहीं बनानी है, स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी है, ऐसी रखनी है। और हम इसको थोड़ा सौते कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके लिए एक पैन में हम पहले ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, ये ऑयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, अभी अभी जुड़े हो तो वो भी पूछ सकते हो। ऑयल है वो गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा चटक जाए तब हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट बनाई है। अदरक और लहसुन की पेस्ट में उसका भी रेशियो है, अदरक एक छोटा सा टुकड़ा और 3 टुकड़े लहसुन के 2:1 में लेना है, लहसुन ज्यादा अदरक कम। अब इसको, ये पेस्ट को हम सौते करेंगे, ये पेस्ट को हम इसका कच्चापन निकल जाए तब तक सौते कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ये जो अदरक लहसुन है उसका कच्चा फ्लेवर ना आए आपके मुंह में, क्योंकि कच्चा फ्लेवर किसी को अच्छा नहीं लगता। अब हमने जो ये पेस्ट बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। प्लीज विच रेसिपी कैन टू रेप्ट क्वेश्चन जय श्री शाह। हाँ ओके, ये जो मैं आज बना रही हूँ हरा भरा कबाब बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी ये रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं वो इसी प्रोसेस से बनाते हैं। अब हम इस पेस्ट को गाढ़ा होने तक पकाएंगे, ये जो पैन की साइड्स छोड़ दे। इस प्रोसेस में जो इसमें जो मॉइस्चर रहेगा होगा तो वो निकल जाएगा। हाउ कैन आई शो माय रेसिपी टू, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन अमूल लाइव शो, हाउ टू डू? जी मैं आपको वो बाद में बता दूंगी तुलसी जी, पहले मैं तुम पूछ लूं। ये देखिए, आपको ग्रीन कलर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि हमारा जो हरा भरा कबाब का जो ग्रीन कलर है वो
कैसे मेंटेन हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑयल यूज किया है, ये पेस्ट सौते करने में अगर आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। ये प्रोसेस में जो मॉइस्चर होगा ये पेस्ट में तो वो निकल जाएगा। ऐसे ही आपको हिलाते रहना है ताकि ये पेस्ट जो है नीचे चिपक ना जाए। Can you wrap recipe? जी, आज मैं बना रही हूँ हरा भरा कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल। सबसे पहले मैंने पालक और मटर को ब्लांच किया है। गरम पानी उबाल लीजिए और उसमें पहले हरे मटर डालिए। हरे मटर आधे पक जाए तब उसमें पालक डालें और पालक को ज्यादा ना पकाएं, दो मिनट ही पकाएं, कुछ फ्यू सेकंड्स ही, और फिर उसको ठंडे पानी में डाल दें ताकि उसका जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे। और फिर उसकी मैंने हरी मिर्च, जो मिक्सचर जार में हरी मिर्च ले, पुदीने के पत्ते ले, धनिया लिया है और ये जो पेस्ट बनाई थी वो ली है और हमने एक फाइन पेस्ट बनाई है। अब उसको हम सौते कर रहे हैं। मुझे क्वेश्चन है ऑयल कितना डाला। ऑयल एक चम्मच ही डाला है। अभी जो मेरी हरा भरा कबाब की क्वांटिटी है वो दो सर्विंग है तो उसके हिसाब से मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हो। पेस्ट में क्या क्या डाला है? बीचू क्वेश्चन। पेस्ट में मैंने डाला है एक हरी मिर्च डाली है, 5 से 6 फुदीने के पत्ते डाले हैं, 1/2 कप धनिया डाला है और ये जो पेस्ट हमने बनाई थी वो जो पालक और मटर जो ब्लांच किए थे वो डाला है और उसकी पेस्ट बनाई है। और अब हम उसको सौते कर रहे हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर रहता है वो निकल जाएगा। ये प्रोसेस में आप देख सकते हो कि ये पेस्ट है उसने जो पैन की साइड्स है वो छोड़ना चालू कर दिया है। अगर आपकी फैमिली में कोई तीखा खाता है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ये देखिए हमारा जो मिश्रण है वो पक चुका है। ये देखिए पहले से ज्यादा ड्राई हो गया है। और इसका जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो वो भी मेंटेन रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हरा भरा कबाब में हरा कलर ही चला जाता है, तो अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका हरा भरा कबाब हरा ही रहेगा। और जो एक क्वेश्चन है, यू आर टू कूल एंड गुड इन एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। अभी हमारा जो ये पेस्ट है वो सौते होके रेडी है। अभी हम इसको ठंडा करना है। मैं इसको एक प्लेट में डाल रही हूँ। इसको हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। गरम गरम में सब चीज डालेंगे तो फिर से मॉइस्ट हो जाएगी। ये ठंडा हो रहा है। कबाब बनेंगे इसमें? इसमें 2 सर्विंग्स बनेगी। ये जो मेरी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जो मैंने क्वांटिटी ली है उसके हिसाब से 2 सर्विंग बनेगी। उसमें मैं आपको फिर से जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैं दिखाती हूँ। मैंने 100 ग्राम मटर लिए हैं, 50 ग्राम पालक ली है, 1/2 कप धनिया लिया है और एक हरी मिर्च ली है। और उसके साथ जाएंगे ये ब्रेड क्रम्स जाएंगे, ये कॉर्नफ्लोर जाएगा, ये मैश किए हुए आलू जाएंगे और ये जो स्पाइसी ये जो चाट मसाला है वो जाएगा। इसके हिसाब से हम देखेंगे। ये जो आलू लिए हैं मैंने वो 2 लिए हैं। ये पेस्ट को हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। दस मिनट नहीं बाद
की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये जो पेस्ट है वो थोड़ा साइड में करते हैं। उसमें ये जो दो आलू है उसे मैंने बॉईल कर लिए हैं, वो मैश कर लिए हैं मैंने, वो डाल रही हूँ। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर है वो डाल रही हूँ। ये जो कॉर्नफ्लावर है उसके बजाय आप रोस्टेड बेसन भी यूज कर सकते हैं। और 1/4 कप ब्रेड क्रम्स है वो ले रही हूँ। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रखिए कि हमने नमक ये जो मटर और पालक कुक कर रहे थे तभी हमने थोड़ा डाला है, तो आप ध्यान से डालिएगा। और इसमें चाट मसाला डालूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थैंक यू। पालक ने बॉईल कर जी, मैंने पालक को 2 मिनट के लिए बॉईल किया है। जब आपके पहले जो मटर डाले हुए हो वो थोड़ा कुक हो जाए, आधे कुक हो जाए, उसके बाद आप पालक डालिए और पालक डाल के 2 मिनट ही पकाएं और उसके बाद आप गैस ऑफ कर दें। ये देखिए हमारा जो हरा भरा कबाब का कलर है वो कैसे ग्रीन उभर के आया है। ऐसे हमें आटे जैसा गूंदना है। अब अगर आपको ये मॉइस्ट लगे तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर, कैन वी यूज ब्रेड इन प्लेस ऑफ ब्रेड क्रम्स? नहीं जी, आपको आप ब्रेड ले सकते हो, आप ब्रेड का मिक्सचर में क्रश कर लो, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी ये जो मेरा जो मिक्सचर है वो थोड़ा मॉइस्ट है, उसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, 1 से 2 चम्मच। ऐसे आटे जैसा बनाना है। ये हमारा रेडी है। हैंड वॉश कर लूँगा। ये जो हमारा जो हरा भरा कबाब का जो मिक्सचर है मेन वो रेडी है। अब हम इसमें से कबाब बनाएंगे। पूछो पाव अवेलेबल हो तो ले सकते हैं? यस जी, आप उसको ग्राइंड कर लेना पाव को और फिर इसमें यूज करना। हाँ, पूछो छे के ब्रेड होय एनी जगह पे सूजी ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हो आप, ब्रेड क्रम्स की जगह सूजी ले सकते हो आप, थोड़ा उसे रोस्ट कर लेना फिर यूज करना। और कॉर्नफ्लावर की जगह पे आप रोस्टेड बेसन भी ले सकते हो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है तो। हाथ को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और हमारा जो मिक्सचर है उसमें से एक बॉल बना के, ऐसे गोल बना के ऐसे कबाब का शेप दे दीजिए। क्रैक ना डालें उसका ध्यान रखिए। और इसके ऊपर हम एक काजू का पीस रखेंगे, ऐसे जेंटली प्रेस करना है, नीचे तक हमें प्रेस नहीं करना है। ये देखिए दूसरा भी ऐसे बनाएंगे। ये जो काजू का टुकड़ा है ऐसे, व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? इसमें मैंने हरा भरा कबाब है, इसमें मैंने पालक लिया है, मटर लिया है, धनिया फुदीना लिया है। फुदीना अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। धनिया लिया है, उबले हुए आलू लिए हैं और जो स्पाइसी है वो हरी मिर्च से आएगी। आपके घर में ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो।
जिंजर ग्रिलिक नहीं डाल सकते क्या? आदू। हाँ जी, स्किप कर सकते हो आप, अगर आप नहीं खाते हो जिंजर गार्लिक तो आप स्किप कर सकते हो। काजू को हमें, ये जो काजू का टुकड़ा है उसे हमें जेंटली प्रेस करना है। नीचे तक आप प्रेस करोगे तो हमारे जो कबाब है वो फट जाएंगे। तुम्हारे सासुओं की दुआ सरस। थैंक यू मम्मी। अब जो हम ये कबाब है उसको तवे पे रोस्ट करेंगे, तवे पे शैलो फ्राई करना है हमको। एक ऐसा पैन ले लेंगे, आप ये स्टेज पे ये जो हरा भरा कबाब है वो फ्रीज में स्टोर कर सकते हो, और आप जब आपको जब भी खाना हो तब शैलो फ्राई करके आप खा सकते हो। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, इसको हमें शैलो फ्राई करना है। और ये जो कबाब है उस पे हम थोड़ा कॉर्न फ्लोर से डस्टिंग करेंगे ताकि ये जो इसमें चिपक ना जाए। सारी माटे हेल्दी शो पूछ। यस जी, हरा भरा कबाब इज वेरी हेल्दी, और विंटर में ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि अभी जो पालक और हरे मटर है वो अच्छे मिलते हैं, फ्रेश मिलते हैं। ये जो हमने कॉर्न फ्लोर से डस्ट कर दिया है, और ये जो काजू की साइड है वो हम उल्टा रखेंगे। पूछो चेक के फ्राई करिए तो वो फट जाएंगे ऐसा। हाँ जी, ये जो हरा भरा कबाब रहता है ना वो तवा कबाब होता है, तो उसको आप फ्राई ना ही कीजिए तो अच्छा है। अगर आप फ्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, फटेगा नहीं। अगर आपका मिश्रण है वो ड्राई होगा तो वो नहीं फटेगा। इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप कलर देख सकते हो उसका, जो हरा भरा कबाब है उसका कलर कैसे ग्रीन निखर के आया है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन तक होने तक पकाना है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगी। ये देखिए हमारा एक साइड है वो पक गया है। ये देखिए कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं ये जो पूरी रेसिपी है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई करना है क्योंकि उसमें जो सारे वेजिटेबल्स हमने डाले हैं वो ऑलरेडी कुक्ड है, तो इसके लिए हमें इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। हमें पालक सॉप रेस्टोरेंट स्टाइल बता सकते हो क्या? हाँ जी अमूल, जो मुझे फिर से मौका देगा तो मैं आपको वो रेसिपी भी दिखाऊंगी।
मेरे YouTube चैनल है राधिकास किचन, आप वहाँ पे जाके भी बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से भी रेसिपीज ले सकते हो। एवुठे कौन से फ्रूट है? फ्रूट थोड़ी ना, जी ये कोई फ्रूट नहीं है, ये हरा भरा कबाब बन रहा है। जी ये मैंने हरा भरा कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है, उसके लिए मैंने पालक और मटर को पहले ब्लांच कर लिया है। पहले से पहले उबलते हुए पानी में आप हरे मटर डालो, वो हाफ पक जाए तब आप पालक डालो और फिर उसको तुरंत 2 मिनट होने तक पकाइए और फिर कोल्ड वाटर में ट्रांसफर कर लीजिए। और फिर जो ये जो हमने ब्लांचिंग की है उसको हमें पेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वो जो बनाया हुआ है वो उसको मिक्सचर जार में ले लें और जो पूरा पानी निकाल दीजिए पहले तो, कि ताकि हमारी जो पेस्ट है वो मॉइस्ट ना रहे। और फिर उसमें पुदीना का पत्ता, धनिया पत्ता और हरी मिर्च लेकर उसको ग्राइंड कर लीजिए। और वो जो पेस्ट है हमने सौते की है, एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लेके जीरे का तड़का दिया है और हरी अदरक और लहसुन की पेस्ट सौते की है और फिर वो जो पेस्ट हमने बनाई हुई है उसको सौते की है और वो जो पैनकेक साइज छोड़ दे तब तक हमें उसे पकाना है ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है तो वो भी निकल जाए। और फिर उसके बाद हमने वो जो सौते की हुई पेस्ट है उसमें उबले हुए आलू डाले हैं, चाट मसाला डाला है, नमक डाला है और कॉर्नफ्लोर डाला है और ब्रेड क्रम्स डाले हैं, वो सब मिला के हमें आटे जैसा गूंद लेना है और इसे हरा भरा कबाब बनाना है। ऐसे बॉल बना के हमें शेप देना है कबाब का और फिर शैलो फ्राई करना है। अब ये जो शैलो फ्राई है वो घी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ऑयल लिया है, ये जो हमारा हरा भरा कबाब है वो रेडी है, दोनों साइड से पक गया है, ये देखिए हमारा दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन लीजिए थोड़ा सा और उसको भून के ऐड करिए तो भी उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये जो हरा भरा कबाब है हम इसमें सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इसको हम ओनियन रिंग से गार्निश करेंगे। और धनिया से गार्निश करेंगे। थैंक यू सो मच। ये है तो फिर मेरी आज की रेसिपी हरा भरा कबाब रेडी है। आप देख सकते हो उसका जो हरा कलर है वो मेंटेन रहा है। आप इसे श्योर बनाएं और मुझे मेरे जो फेसबुक पेज है राधिकास किचन भी है उसमें आप मुझे रिव्यू दे सकते हो। मेरी यूट्यूब चैनल है वहां पे जाके आप मेरी सारी रेसिपीज ले सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो। अभी मैं ये जो लाइव सेशन है वो एंड करने जा रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगी। ये है मेरी आज की रेसिपी हरा भरा कबाब, रेस्टोरेंट स्टाइल है वो भी, आप ये जरूर से ट्राई करो, मुझे रिव्यू देना कि कैसा बना है। तो मैं मेरा आज का सेशन है जो वो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथ जुड़े, इतने सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच।